कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज हमारे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का टॉप 50 प्लस यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाने के बाद फ्लैश लाइट के ऊपर टैप करके रखोगे, 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि एक साथ बैक साइड में और फ्रंट साइड में फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। आप चाहो तो सिर्फ फ्रंट साइड में भी फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। इस फोन में WhatsApp का बेहतरीन फीचर्स है। सेटिंग के अंदर नीचे की तरफ आ जाना है। स्पेशल फंक्शन के अंदर सोशल टर्बो का ऑप्शन दिखाई देगा, WhatsApp इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। मेरा अभी WhatsApp नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, वीडियो ब्यूटी यानी कि WhatsApp में किसी से भी आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, फेस को ब्यूटी कर पाओगे, वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, स्टिकर वगैरह भेज पाओगे WhatsApp में, पिक मोड यानी कि डिलीटेड मैसेजेस वगैरह चेक कर पाओगे, फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन यानी कि WhatsApp में किसी का भी अगर इनकमिंग कॉल आता है तो बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करना शुरू कर देगा। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, उसके वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे और दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा। डायलर के अंदर आ जाना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा और दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। उसके ठीक ऊपर फ्लैश फॉर कॉल यानी कि कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है तो बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करेगा अगर इसको इनेबल कर दोगे तो। इस फोन में थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्वाइप करोगे, यहाँ पे देखिए थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए और ये इनेबल हो जाएगा। बेसिकली जब आप चार्ज में लगाते हो ना, जब चार्जर से फोन डिस्कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, आपको नोटिस हो जाएगा कि चार्जर से फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस फोन में पिक प्रूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में पिक प्रूफ का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देना। देखिए बेसिकली एक सेक्शन खुल के आ जाएगा, अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में हो और आप चाहते हो पार्टिकुलर फोन में कुछ भी चीज पढ़ना, दूसरे पर्सन आपके मोबाइल की तरफ देख रहे तो उसको पता ना चले, पिक मोड को इनेबल करके जिस पोर्शन में देखना है उसको हाईलाइटेड कर देना। सिर्फ आप देख पाओगे, बाकी सब कुछ डार्क दिखाई देगा और दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे हाइड सिचुएशन में रहता है। पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करके नीचे की तरफ जो सारे शॉर्टकट है वो हाइड सिचुएशन में है, टैप कर दीजिए ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो अन हाइड हो जाएगा। इस फोन में फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करोगे फोकस मोड के अंदर आ जाओगे। नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देना। देखिए जो एप्लीकेशन के ऊपर आप फोकस मोड को इनेबल करोगे वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और नहीं तो एप्लीकेशन को आप ओपन कर पाओगे। जब तक फोकस मोड के अंदर आके यहाँ पे क्रोम को अनचेक करके यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं करते हो तब तक क्रोम को यूज नहीं कर पाओगे, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखिए, एक साइड बार खुल के आएगा, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। पेंसिल आइकन के ऊपर टैप कर दीजिए, बहुत सारे शॉर्टकट को यहाँ पे ऐड भी कर पाओगे और यहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट को हटा भी सकते हो। बी लाइन के ऊपर टैप करके देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिया तो गया है लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड भी कर पाओगे। देखिए इस तरह का यहाँ पे पबजी ऐड हो गया है, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए पबजी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से शॉर्टकट को आप यूज कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके स्टार्ट करना, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आके हिडन ऐप के अंदर प्लस के ऊपर टैप करके जो सारे एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना, हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर टैप करके सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देना और वो अनहाइड हो जाएगा। सेम एक्स हाइट के अंदर आने के बाद कोई भी पिक्चर वगैरह को आप हाइड कर पाओगे। यहाँ पे एल्बम क्रिएट कर सकते हो या प्राइवेट एल्बम के अंदर आके प्लस के ऊपर टैप करके कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए और वो पिक्चर यहाँ पे हाइड हो जाएगा। सिर्फ पिक्चर नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग, वीडियो सब कुछ हाइड कर पाओगे। जब आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं करता है तो उसको शो करने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग के अंदर आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है। सबसे नीचे यहाँ पे स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेट स्पीड मीटर शो करने लगेगा। कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल फंक्शन के अंदर एक्स क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह रहेगा वो सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ वीडियो असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आके इस फीचर्स को इनेबल कर देना। बेसिकली जब आप लोग यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, कई बार क्या होता है कोई भी यूट्यूब में गाना वगैरह सुन रहे हो और आप चाहते हो स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी वो गाना प्ले होता रहे, तो यूट्यूब जब प्ले हो रहा है इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को प्ले इन द बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको टैप करोगे तो स्क्रीन का लाइट ऑफ हो जाएगा लेकिन आप जो गाना सुन रहे थे यूट्यूब में वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा। एक कमाल का
बड़ा फीचर है। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। उसके लिए डिजिटल वेलबिंग के अंदर आना है। नीचे की तरफ यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट किया हूँ। ऐप टाइमर में आने के बाद टाइमर सिलेक्ट कर दिया हूँ। देखिए जो टाइमर आप सिलेक्ट करोगे दिन में उतना ही आप उसी एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा जब तक यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। इस फोन में एक्शन एंड जेस्टर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर स्पेशल फंक्शन के अंदर एक्शन एंड जेस्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टैपिंग वाइक का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। म्यूजिक जेस्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में इस तरीके से स्वाइप कर देना, ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाएगा। फ्लिप म्यूट, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी बंदा आपको कॉल कर रहा है, रिंगटोन बज रहा है तो फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दिखा रहा है। एक थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, इसको इनेबल करके थ्री फिंगर से आप स्क्रीन शॉट ले पाओगे और थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। रेस टू एयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे मिम फ्यूजन का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आने के बाद आप लोग रैम को बढ़ा सकते हो 3 GB तक। यहाँ पे मॉडिफाई एंड रन करने के बाद फोन एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, बस है, मैं आप लोगों को बता दिया। कई बार क्या होता है आपके फ्रेंड यूट्यूब देखने के लिए फोन लेता है, लेकिन जब आप दूर में चले जाते हो यूट्यूब से बाहर निकल के गैलरी वगैरह चेक कर लेता है। इसको कंट्रोल करने के लिए रिसेंट मेनू में आने के बाद यूट्यूब के ऊपर टैप करके यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, पिन कर देना। देखिए पिन हो जाएगा, नहीं तो ये बैक होगा, नहीं तो होम होगा और नहीं तो आप नोटिफिकेशन ड्रायर में जा सकते हो। इससे बाहर निकलने के लिए मेनू बटन और बैक बटन को टैप करके होल्ड करके रखिए, लॉक स्क्रीन आएगा, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद बाहर जा सकते हो। बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करना पड़ता है। इस फोन का जो डार्क मोड है ना वो बहुत बढ़िया है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डार्क मोड को इनेबल कर देना, टोटली डार्क हो जाता है और ये काफी अच्छा डार्क मोड है। डार्क मोड के ठीक ऊपर आई केयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो इसको इनेबल करके इस्तेमाल करना, आपके आंखों को उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा और इसके ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर पाओगे। शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को आई प्रोटेक्शन मोड चाहिए। देखिए इस फोन में वाईफाई के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। वाईफाई के अंदर वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑटो स्विच टू मोबाइल डेटा। मेरा अभी सिम नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके वाईफाई का इंटरनेट स्लो है ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। आस्क बिफोर स्विचिंग करोगे वाईफाई से मोबाइल डेटा में स्विच करने के लिए आपसे परमिशन मांगा जाएगा। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, इसको इनेबल करने के बाद मान लो आपके घर में वाईफाई है, आप बाहर गए थे, जब घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन, यानी कि पब्लिक प्लेस में अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन टू शो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप लोग डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर देना, लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हम लोग ना यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको डिसेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर मोर सेटिंग के अंदर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन के अंदर ये दो फीचर्स को ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए लॉक स्क्रीन के अंदर आप लोग नोटिफिकेशन ड्रायर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ये आप लोग करके जरूर रखना, बहुत अच्छा फीचर है। सेम नोटिफिकेशन आइकन ऑन स्टेटस बार, इसको डिसेबल करोगे तो यहाँ पे जो सारे आइकन वगैरह है वो शो नहीं करेगा। इनेबल करने के बाद जो सारे नोटिफिकेशन आएगा उसका आइकन यहाँ पे शो करने लगेगा। कैमरा के अंदर भी कुछ फीचर्स मिलता है, लेकिन कैमरा के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो उसके वजह से कैमरा का जो फीचर्स या कैमरा का जो टिप्स एंड ट्रिक है वो मैं कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।